ऑल राइट, सो गाइस आज हम देखेंगे साइबेरिया प्रो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, एंड करेंटली ये बिल्ड अभी बीटा वर्जन्स में है, एंड जो बिल्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लेटेस्ट बीटा है, एंड ऑल थैंक्स गोज टू बानी एंड मिलाद भट्ट जिन्होंने मेरे साथ इस रोम को शेयर किया, एंड इन अबाउट सेक्शन जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमें इधर पर लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगी, लाइक सिक्योरिटी पैच एंड कर्नल वर्जन, आपको 24 सितंबर का जो कि लेटेस्ट है बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, बट स्टेबल रिलीज होते होते ये सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए था। एंड नेक्स्ट जनरेशन साइबेरिया प्रो बिल्ड में आपको 81 हर्ट्ज का डिस्प्ले ओवरक्लॉकिंग देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हम यूएफओ टेस्ट पर देख सकते हैं, इट इज लॉक्ड ऑन 81 हर्ट्ज एंड ओवरक्लॉकिंग हियर इज स्टेबल इनफ, एंड कोई फ्लिकरिंग या फिर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला अभी तक। मैं इस बिल्ड में अराउंड 11 आवर्स से यूज कर रहा हूं, एंड अभी तक तो कोई भी ओवरहीटिंग या फिर डिस्प्ले हीटिंग मेरे को देखने को नहीं मिला, मैंने काफी नॉर्मल यूज किया है, एक्चुअली मैंने अपना फोन भी सेटअप नहीं किया है जस्ट फॉर दैट कि मेरे को मैंने पहली बार 81 हर्ट्ज यूज़ किया, तो आई डोंट वांट कि मेरे फोन में कोई इशू होए, सो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट इन नॉर्मल टेस्टिंग एंड इन नॉर्मल यूजेज मेरे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, एंड अब मैं इसको पूरा डिवाइस अपना सेटअप करूंगा एंड एक न्यू रिव्यू भी बनाऊंगा जिसमें एक पूरा डिटेल रिव्यू होएगा, मे बी अगर मेरे को नेक्स्ट बिल्ड टेस्ट करने को मिलता है तो मैं नेक्स्ट बिल्ड पे बनाऊंगा, बट उसको मैं फुल फ्लेज्ड एक रिव्यू बनाऊंगा। सो ये अभी एक सिर्फ ओवरव्यू है, एंड इन फ्यूचर जो स्टेबल बिल्ड रिलीज होएगा साइबेरिया प्रो का उस पर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर 60 हर्ट्ज एंड 81 हर्ट्ज पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। कैमरा जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल कैमरा, फुल फ्लेज्ड गूगल कैमरा आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगा जस्ट लाइक एनी अदर साइबेरिया रोम, सो आपको इस रोम पे भी फुल फ्लेज्ड गूगल कैमरा वर्किंग मिल जाएगा, अगर आप चाहो दूसरे कैमरास भी इंस्टॉल कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, बट वो सारी चीज़ें हम जब स्टेबल वर्जन आएगा तब टेस्ट करेंगे। इस बिल्ड में सिर्फ एक ओवरव्यू कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे लेंस वर्किंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड एक्चुअली मैं मेरा गैलरी सेट नहीं है आई थिंक डिफॉल्ट, सो ओपन नहीं हो रहा है, एंड गूगल गैलरी भी अभी इंस्टॉल नहीं है, सो आई थिंक थोड़ा सा इशू हुआ, बट जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ ओपनिंग एंड काफ़ी आप ट्रांजिशंस मे बी आप नोटिस कर पाओ कैमरा में, क्योंकि कैमरा का फ्रेम रेट 60 FPS है एंड जो डिवाइस में फ्रेम रेट है 81 हर्ट्ज़ है, 81 FPS है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा, बट आप जब रियल आइज से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लुइडिटी आपको दिखेगी एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एंड डबल टैप टू स्लीप भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आई थिंक इधर पे लॉन्चर सो जस्ट लाइक ओल्ड साइबेरिया प्रो लॉन्चर 11 आपको एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा इस लॉन्चर के अंदर, बट अगर आप डिटेल में कस्टमाइजेशन देखना चाहो तो मैं आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर अपने पुराने रिव्यू का एक लिंक लीव कर दूंगा कार्ड के फॉर्म में, तो आप मेरा जो पुराना रिव्यू है साइबेरिया 4.8 जो फ्रीवी वर्जन रिलीज हुआ था उस पर ही सेम लॉन्चर था, तो आप एक बार डिटेल में जाके देख सकते हो कि आपके लॉन्चर में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम जाते हैं टाइल्स के अंदर, क्विक सेटिंग्स टाइल्स के अंदर, तो सारे टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे FPS काउंटर का टाइल देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें FPS काउंटर ऐड कर दिया गया है, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एंड पैनिक ट्रिगर, तो ये एक काफ़ी एक अच्छा फीचर मेरे को लगा कि आप जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो आप पैनिक ट्रिगर्स का काफ़ी लाइक पावर बटन से आप ऑप्शन सेट कर सकते हो, एंड क्विक सेटिंग टाइल्स में भी आप उसको सेट कर सकते हो, सो ये काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली। एंड फिंगरप्रिंट की बात करें, सो बीइंग अ बीटा बिल्ड जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है फिंगरप्रिंट, काफ़ी रिस्पॉन्सिव एंड काफ़ी एक्यूरेट फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा फ्लिकरिंग होता है जब आप फिंगरप्रिंट रीड होता है, थोड़ा सा फ्लिकरिंग होता है, बट बीटा बिल्ड है तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। जब हमारा स्टेबल बिल्ड आएगा आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी उस पर, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं बानी के जितने भी बिल्ड्स अब तक रिलीज हुए हैं साइबेरिया के सुपर स्टेबल एंड सुपर फाइन बिल्ड्स थे, ऐसा कोई भी उधर पे दिक्कत देखने को नहीं मिलता था या फिर UI ग्लिचेस देखने को नहीं मिलते थे, एंड जो मिलते भी थे वो सॉल्व हो जाते थे अगले बिल्ड में, तो जब भी ये स्टेबल बिल्ड में आएगा आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। एंड इस बिल्ड का जब स्टेबल वर्जन रिलीज होएगा आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ये बग्स आपको देखने को मिलेंगे, आई थिंक इट विल बी सुपर स्टेबल एंड अ सुपर परफॉर्मर जस्ट लाइक एनी अदर साइबेरिया बिल्ड्स। एंड सेटिंग्स के अंदर जैसा कि हमें
ओल्ड साइबेरिया में भी मिलता था, मींस ओल्ड साइबेरिया प्रो में भी मिलता था, आपको ऊपर एक एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। सो ये काफ़ी एक प्रो और आप बोल सकते हो एक अलग फील देता है, दे देता है आपको नॉर्मल साइबेरिया एंड साइबेरिया प्रो के बीच में आपको एक डिफरेंस लाने के लिए एक एनिमेशंस एंड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो आपको सब इधर पर मेंटेनर इन्फो एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेटिंग्स की अगर बात करूं कस्टमाइजेशन, सो मेरे को कुछ न्यू तो एक्चुअली मैं इधर पे देखने को नहीं मिला है। मे बी आपको स्टेबल बेल्ट्स आते आते और कुछ एडिशन देखने को मिले। सो ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू एंड एक डिटेल में हम देखेंगे जब स्टेबल बेल्ट रिलीज़ हो जाएगा। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था गेमिंग मोड के अंदर FPS इन्फो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो गेमिंग मोड आपको न्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जस्ट लाइक डव फेस्ट, आई थिंक सबसे पहले डव फेस्ट पे रिलीज हुआ था। सो नोटिफिकेशन डन मांकू, सो आई डोंट थिंक ये मैं यूज़ करूँगा जब भी मैं गेम खेलूँगा, क्योंकि ये एक छोटा सा ऊपर एक टेक्स्ट फ्लो करता रहता है जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होए पॉपअप होएगा तो एक छोटा सा टेक्स्ट फ्लो करता रहता है ऊपर। सो ये आप उसको ऑफ कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास अभी तो कोई भी गेम नहीं है, सो मैंने इसको ब्राउज़र पे गेमिंग मोड पे ऐड कर दिया। सो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाएगा। एंड जो गेमिंग मोड का छोटा सा पिल आता है वो गायब हो गया। सो FPS इन्फो जैसा कि मैंने इनेबल करके रखा तो FPS आपको 81 बिल्ट इन FPS मीटर देखने को मिल जाएगा, तो 81 वहाँ पे शो कर रहा है। एंड जैसा कि हमें सबको पता है ओवरक्लॉक्ड है, बट जो मेरा जो छोटा सा पिल था वो कहाँ चला गया। सो एक्चुअली मैं अभी मेरे को दिख नहीं रहा है इसको, यो वेयर डिड यू गो ब्रो। सो मिल गया। सो एक्चुअली मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट एंड मेरे को दिख नहीं रहा था उस पर। सो जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, FPS मीटर आप इनेबल कर सकते हो, स्क्रीन कैप्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डन मांगू, डू नॉट डिस्टर्ब एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में कुछ ज़्यादा इस गेमिंग मोड के बारे में देखना है तो एक बार मेरा डव फेस्ट का आप रिव्यू चेक कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में इस गेमिंग मोड को भी कवर किया है। बैटरी की अगर बात करूँ, सो बैटरी ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि अभी बीटा बेल्ट में हमको ज़्यादा इस चीज़ पे देखना चाहिए। सो इस बेल्ट के बैटरी बैकअप के बारे में आई थिंक मैं ज़्यादा बात करूँगा जब इसका स्टेबल बेल्ट रिलीज़ हो जाएगा। बट स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर, ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग मिल जाएंगी। चार्जिंग स्पीड भी डिसेंट है, मैंने ज़्यादा देर तो चार्ज नहीं किया बट मैंने एटलीस्ट 10% 10% तक चार्ज किया था, मींस प्लस 10% जो भी मेरा बैटरी लेवल था उससे 10% चार्ज किया था। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड चार्जिंग इशू आई डोंट थिंक कि होगा, बट उस चीज़ को भी जब स्टेबल बिल्ड आएगा तब हम रिलीज़ करेंगे। सो साइबेरिया प्रो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन तो मेरे को काफ़ी पसंद आया एंड बिग शाउट आउट टू बानी जिन्होंने अपने हार्डवर्क के कारण इस रोम को डेवलप किया। एंड वी ऑल नो कि बानी हमेशा हर बिल्ड के साथ कुछ ना कुछ कर्नल लेवल पे या फिर रोम में अंडर द हुड लेवल मीन्स जो हमको ऊपर कस्टम चेंजेस नहीं देखते कुछ ना कुछ वर्क चलता ही रहता है। जैसे कि साइबेरिया में हमको हर वक्त एक कुछ ना कुछ अलग परफॉर्मेंस एंड अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो बिग शाउट आउट टू हिम बिकॉज दिस मैन नेवर फेल्स टू इम्प्रेस। एंड जब स्टेबल बिल्ड रिलीज होगा तब हम सारी चीज़ें देखेंगे एक बार फिर से। सो गाइज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।